किसानों का सत्यानाश, हमारे युवाओं का सत्यानाश, हमारे निवेश का सत्यानाश, हमारे पोषण का सत्यानाश, कानून व्यवस्था का सत्यानाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सत्यानाश, नर्मदा मैया का सत्यानाश, गौ वंश का सत्यानाश, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की सबके सामने है। आज हर वर्ग परेशान है, हमारा किसान भटक रहा है न्याय के लिए, खाद के लिए, हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आज हमारे छोटे व्यापारी परेशान हैं कि आर्थिक गतिविधि चौपट हो रही है, ये आज प्रदेश की तस्वीर है। और शिवराज सिंह जी, मैं तो ताजुब करता हूँ, इतनी हिम्मत पड़ी कि वे विकास यात्रा निकाले, 160 क्षेत्रों में इस विकास यात्रा का विरोध हुआ, ये शासकीय यात्रा थी, शासकीय तंत्र का उपयोग किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बची है। ये नगर निकाय चुनाव में, जनपद पंचायती चुनाव में जिस प्रकार पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया गया, इनके साथ अगर जनमत होता तो इसका आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्थिति आज पूरे प्रदेश में है। 6 महीने में चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे। शिवराज जी की कलाकारी को आज सब पहचान रहे हैं। आज का मतदाता को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आज का मतदाता आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। तो मुझे खुशी हुई यहाँ आकर, और ये नर्मदापुरम ऐसा जिला है जहाँ हमने 53,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमारे कार्यकाल में जो हुआ, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता हमारे कार्यकाल की गवाह है। बताइए सर, पत्रकारों में लगातार हमले हो रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचल में जो पत्रकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप सरकार में आएंगे तो कार्य होगा? हम बिल्कुल पत्रकारों के लिए, हम उनके संरक्षण के लिए हम अपने वचन पत्र में जरूर लाएंगे, क्योंकि ये आज दबाना और छिपाना, आप लोग ये दबाने और छिपाने की राजनीति पहचान लीजिए। ये जो पत्रकारों पर हमला हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे हैं, आप सच्चाई बोलना चाहते हैं, और पत्रकारों के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सच्चाई जो है, जैसी भी सच्चाई हो, आप जनता के सामने लाइए। अब देखिए, उसके हमने अध्ययन किया, अब जो गलतियां हुई हैं उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की आज बहुत अंतर है राजनीति में, 5 साल पहले, 10 साल पहले की राजनीति में बहुत अंतर है, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई, और हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। सर, छिंदवाड़ा देश में विकास का मॉडल माना जाता है, सर, छिंदवाड़ा देश में विकास का मॉडल माना जाता है, बावजूद इसके होशंगाबाद में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है, इसे जिला कांग्रेस की कमी समझा जाए, संगठन की, या फिर भाजपा की सफलता मानी जाए? देखिए, ये सब में जाने की आवश्यकता नहीं है, आज प्रश्न भविष्य का है, हमें भविष्य की क्या रणनीति बनानी है और पिछले चुनावों में से हम क्या सबक सीखते हैं, ये हमें देखना है। आज बहुत, मैंने कहा, राजनीति में परिवर्तन हुआ है, राजनीति बहुत स्थानीय है, एक बहुत बड़ी मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को ही दीजिए, ये पहले नहीं होती थी, जाति समन्वय हो, इसकी बहुत बड़ी मांग है कि सब जातियों के साथ न्याय हो। हम इस सब को देख कर, क्षेत्रीय संगठन से सलाह कर कर हम तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। सर, ये अभी अभी के तो आपके चुनावी वादे बकाया रह गए थे, 15 महीने की गवर्नमेंट को चली, बाकी 45 महीने के वादे बकाया रह गए, जैसे कि अतिथि विद्वानों की नियमित करने का मुद्दा था कि सरकार, कांग्रेस ने बोला था कि हम नियमित करें, उसके तो उनको क्या आगे पूरा करेंगे? बिल्कुल, मैंने इसकी घोषणा करी, अतिथि विद्वान की बात हुई, हमारे संविदा की बात हुई, आज सोचने की बात है, कितने लाखों करोड़ रुपया कर्जा लिया है, क्या ये इतने लाख करोड़ का जो ब्याज है, उस ब्याज को भरने के लिए इनको और कर्जा लेना पड़ेगा, और अगर ये कर्जा
का उपयोग होता हमारे अतिथि विद्वानों को नियमित करने में, हमारे जो बाकी संविदा हैं, हमारे आउटसोर्स वाले हैं, तब तो हम समझते इसका उपयोग क्या हुआ, इन्होंने ये पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, इस पैसे का जो कर्जा लिया इन्होंने किस चीज़ में लगाया, बड़े बड़े ठेके देने में। आप देखिए पिछले 1.5 साल में कितने बड़े ठेके दिए हैं इन्होंने, और उसका एडवांस ले लो, एडवांस से अपनी कमीशन निकाल लो, योजना चौपट हो। हमारा तो पहले का वायदा है, हमें मुझे दोहराने की क्या बात, क्योंकि ये पहला किस्त था, पहला किस्त में हमने, मैं कह रहा हूँ, हमने नर्मदापुरम में यहाँ 53,000 किसानों का कर्जा माफ किया, ये तो सब किसान गवाह हैं, मैं जो नाम पता है, गांव पता है, बैंक पता है, और जो बचे थे वो चालू था, पर हमारी सरकार नहीं रही। सर, शिवराज सिंह जी ने अभी छिंदवाड़ा में कहा कि अब कमलनाथ जी राजनीति का गाड़ दूंगा मैं, अंत हो जाएगा। देखिए शिवराज जी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, मैं नहीं करता, मैं गाड़ूंगा, बेरोजगारी को गाड़ूंगा, भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा।